इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण। उत्तर प्रदेश में कई बार अपनी सरकार बना चुकी बसपा पार्टी इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। झांसी जिले के एक और कद्दावर नेता बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। अभी हाल में ही बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व MLC तिलक चंद अहिरवार का सपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर उन्हें बधाइयां दी जा रही। बुधवार की सुबह समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष सलमान परीक्षा भी अपने समर्थकों के साथ उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने तिलक चंद्र अहिरवार का फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में पहले से और अधिक मजबूती मिलेगी। भाई आज जो आप लोगों की हमारी पार्टी में आदरणीय तिलक चंद अहिरवार जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के ज़मीनी नेता थे, पूर्व MLC रहे हैं और मंत्री रहे हैं, उन्होंने परसों पार्टी ज्वाइन की है, तो आज हम लोग उनका सम्मान करने के लिए आए हैं कि वो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी में मैं पिछले 32 सालों से मैं एक कैडर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन दो बार बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मुझे अपमानित किया गया और पार्टी से निकाला गया, और मेरा दोष आज तक मुझे बताया नहीं गया। तो जब दो बार अपमानित किया तो फिर मजबूर हो गए, तब हमने सोचा कि हमें अपने लोगों की सेवा करने के लिए किस दल में जाना चाहिए। तब हमने ये महसूस किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, जो सड़कों पर हैं, मैदान में है, जो डेमोक्रेसी में है, जिस तरह के लीडर की जरूरत है। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीष हरि की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।